हाय गाइस, वेलकम इन टू आवर क्लासेस। आज हम अपने जो एवरेज चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परिवार की चार सदस्यों की औसत आयु छत्तीस वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो छोटे सदस्य के जन्म के समय तीन सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो एक फेम परिवार है जिसके जो चार सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 36 साल है, यानी कि जो चार सदस्य हैं उनकी प्रेजेंट टाइम में औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष है। अगर आपसे कोई कहे कि इससे एन ईयर्स यानी कोई नंबर ऑफ वर्ष दे देगा कि इतने साल पहले अगर इन चारों सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, तो हम सिंपल सा उतने वर्षों को इससे माइनस कर देंगे। अगर कहें कि इससे अगर जो चार सदस्यों की औसत प्रेजेंट टाइम में 36 वर्ष है, तो 12 वर्ष पहले इन चारों सदस्यों की जो औसत आयु कितनी रही होगी, 12 वर्ष पहले इन चार सदस्यों की जो औसत रहा होगा आपके 36 में सिंपल सा माइनस 12 कर देंगे, तो आपका इन चारों सदस्यों की 12 साल पहले औसत आयु निकल जाएगी। ये हम क्यों कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे कहें कि प्रेजेंट टाइम में अगर एक सदस्य की जो आपके आयु है 12 है, दूसरे की एक की एक से दूसरे की वाई हो, तीसरे की जेड है, तीन सदस्य इनके जो औसत आयु वो एक्स वाई एंड जेड है। अब हम कहें कि इनका प्रेजेंट टाइम में जो औसत है वो 12 वर्ष है। अगर कहें कि इनसे 2 साल पहले इनकी औसत आयु क्या होगी, तो हमें क्या करना होगा कि 2 साल पहले एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस टू प्लस जेड माइनस टू डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसके पहले की औसत आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 इज कॉल माइन प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, जब आप 2 साल पहले निकाल रहे हो तो इनकी जो औसत आयु माइनस 2 और इधर हो जाएगा इनकी 12, यानी कि जो x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ये यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड यानी इनका जो औसत ही आया
यहाँ पे अगर आप 12 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये औसत इधर 12 माइनस 2 तो 10 ईयर्स, यानी 2 साल पहले अगर प्रेजेंट टाइम में 12 ईयर्स उनकी औसत है, 2 साल पहले कितनी रहेगी 10 ईयर, यानी कि जितने साल पहले अगर सेम मेंबर्स की कहते हैं तो सिंपल सा हम उतने ईयर्स को उससे माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे वही किए कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्ष पहले इन 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी 24 साल, लेकिन जब एक जो सबसे छोटे सदस्य की प्रेजेंट टाइम में आयु 12 वर्ष है तो 12 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी 0, यानी उस टाइम पे इसका बर्थ हुआ होगा, जब इसका बर्थ हुआ होगा तो ये जो 24 इनकी वजह से रहा होगा, अगर इन जो 4 सदस्य है उन्हीं की वजह से 24 आया होगा, जैसा ना, तो ये जो 24 आया इन 4 सदस्यों की वजह से आया है, तो हम कहें कि जो उस टाइम पे ये जो 4 आया कि इसकी जो टोटल 3 सदस्यों की आयु का सम क्या हो जाएगा, यानी 3 सदस्यों की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा 24 × 4, यानी इन 24 में आप 4 सदस्यों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उन जो 3 सदस्य बच्चे उनकी उम्र का सम आ जाएगा, और इन्हीं को अब आपको औसत चाहिए, जब औसत चाहिए तो इसी इनके सदस्यता से क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे तो इनका जो एवरेज आ जाएगा, यानी औसत औसत 24 × 4 / 3, यानी 3 × 24 तो आपका जो औसत आ जाएगा 32 वर्ष आ जाएगा। तो आप इस तरीके से उनका एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमने सिंपल सा क्या किया कि पहले हमने 12 वर्ष पहले उनकी एवरेज निकाली कि इन 4 सदस्यों की औसत कितनी होगी, तो हमने सिंपल माइनस कर दिया 12 इयर्स तो उनकी जो औसत आई 24 आ गई। इसके बाद हमें मालूम है कि जो ये औसत आयु चारों जो 4 मेंबर है उन चारों की औसत आयु, तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये जो सम आएगा ये 3 सदस्यों की आएगा, क्योंकि जो चौथा सदस्य है चौथे सदस्य की उम्र तो 0 हो चुकी है 12 साल पहले, तो यहाँ पे चौथा सदस्य भी डिवीजन में इंक्लूड है, तो हम उसे क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा, इसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमने पैरेलल इसके रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो आप रीजनिंग की भी वीडियो देखते रहिए और उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इसके बाद हमने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक माँ व उसके 6 पुत्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि माँ को न शामिल करें तो पुत्रों की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। माँ की उम्र क्या है? देखिए, जो जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कुछ डिस्कस किया था, तो आज फिर से हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं माँ की और उसकी जो 6 सन है, यानी जो उसके 6 पुत्र हैं उनकी, अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा m+6s, ऐसे हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन इस मेथड से किया है। अब देखिए, हमें मालूम है कि उसके जो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, उसके 6 पुत्रों की, सॉरी, जो माता और उसके 6 पुत्रों की आयु को कंसीडर किया जाए तो उसकी जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है, लेकिन जब माता को हटा दिया जाए, उसके 6 पुत्रों को कंसीडर किया जाता है तो उसका जो औसत आयु है वो 5 साल कम हो जाती है, यानी कि औसत कितना हो जाता है 7। अब हमें चाहिए कि माँ की उम्र क्या होगी, तो जब इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो औसत गिवेन है सेपरेट
उसको हम माइनस कर देंगे तो टोटल एवरेज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 12, तो यहाँ पे -5 × ये 6 है पर्सन है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे -30 आ जाएगा। अब इसका साइन चेंज करके इधर लिख देंगे +3, जितने इसमें कैंडिडेट होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया +30। यदि प्लस में आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपका टोटल है एवरेज उस पे हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे +30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आया होता माइनस, तो हम माइनस कर देते, तो देखिए यहाँ पे +30 है, तो जो 42 यानी कि जो इस ग्रुप में उनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका एवरेज 42, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट है, तो उससे हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एज आ जाएगी माता की वो कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स, यानी जो माता की उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, इसके अलावा बेसिक तरीका तो आपके पास है ही। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब हमारे कोई मैच या क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको आपका जो एवरेज दिए होता है कि कई प्लेयर्स का कुछ मैचों का एवरेज दिया होता है, इसके बाद कुछ और मैचेस खेलते हैं तो उनके एवरेज में कैसे चेंज होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी के 99 मैचों का औसत 99 है, तब उसे अपने अगले मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे जिससे 100 मैचों का औसत 100 हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी अभी जो हमने ये एज वाले क्वेश्चन में मेथड अप्लाई किया तो उसी मेथड से करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि 100 मैच है, इसके बाद एक मैच और खेला, तो आपके टोटल मैच कितने हो गए 100, यानी कि 100 मैचों का इसका औसत कितना गिवन है 100 होना चाहिए, लेकिन 99 मैचों का इसका औसत कितना है 99। हमें चाहिए कि जो इसके बाद यानी कि जो एक मैच खेलेगा यानी जो 100 उसका जो 100वां मैच होगा उसमें उसके कितने रन होंगे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेम यहां पे आप माइनस कर दीजिए इससे, तो आप माइनस करेंगे 100, तो यहां पे आ जाएगा इसका -1 और इसको मल्टीप्लाई करने को जितने नंबर है यहां पे, तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99, तो -99 आएगा। इसके बाद इस नंबर का आप साइन चेंज करके कहाँ लिख दीजिए इसके नीचे, तो साइन इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा +99, और इसमें कितने मैच हैं एक मैच, तो इसे 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा +99, और इसको एवरेज में जो टोटल एवरेज है उसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 199। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक मैच है इसलिए जो एक मैच का जो स्कोर होगा वो कितना होगा, तो उससे जो 100वें मैच में कितना 199 रन बनाने पड़ेंगे, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इस जो मैच वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से बहुत कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप बेसिक तरीका अपनाएंगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है किसी खिलाड़ी के 40 मैचों का
औसत 50 है यदि अधिकतम व न्यूनतम रनों का अंतर 174 हो 174 है यदि अधिकतम पूरा न्यूनतम रनों को हटा दिया जाता है तो 38 मैचों का औसत 48 हो जाता है। अधिकतम रन क्या होंगे या अधिकतम रन याद करें देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसके जो 40 मैच हैं, ठीक है 40 मैच का औसत की वैल्यू 50, इसके बाद दो अधिकतम और न्यूनतम को हटा दिया जाए तो दो मैचों को हटा देते हैं तो उसका जो कितने मैच बचेंगे 38, तो उसका एवरेज कितना होगा 48। तो देखिए इसको मैच से लिखते हैं, सेम यहाँ पे पहले कितने मैच थे टोटल 40 मैच, हमने क्या किया 30 मैच, जब आप दो मैच हटा देंगे 40 में तो कितने मैच बचेंगे 38, तो जो कि 38 मैचों का औसत गिवन है कि इसका 48 है, दो मैचों का हमें अगर औसत मिल जाए तो हम उसके अधिकतम रन बता सकते हैं कि कितने हो गए। तो हम सबसे और हमें यह भी मालूम है कि जो 40 मैचों का औसत कितना है 50 है, और हम सबसे पहले के जो दो मैच आपके उनका अगर हमें एवरेज मालूम चल जाए एवरेज मालूम चलेगा उससे हम सम निकाल लेंगे और सब और उनका दोनों का अंतर गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, इससे आप माइनस कर दीजिए जो 38 मैचों का एवरेज है तो कितना हो जाएगा 2, कितने मैच यहाँ पे खेले जा रहे हैं 38, तो 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये किस में आ रहा है माइनस में, तो यहाँ पे किस में चला जाएगा प्लस 2 into 38। अब इसमें देखिए अभी तक इसके पहले कितने सिर्फ यहाँ इस ग्रुप में एक कैंडिडेट होता था तो इसलिए हम एक से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितने 2 हैं तो यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करिए तो 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 38, यानी ये इस पे ऐड हो जाएगा तो प्लस 38 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 88, यानी कि इन दोनों मैचों का जो एवरेज है कितना हो गया एवरेज 88 एवरेज है। तो जब एवरेज दो मैचों का 88 है तो योग कितना हो जाएगा इन दोनों का, यानी इसको हम ये भी कह दें कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितना हो जाएगा यहां से 2 × 88 इक्वल टू हो जाएगा 176 मैक्स प्लस मिनिमम, यानी मैक्सिमम मिनिमम आगे कितना हो गया 176, और हमें ये भी मालूम है कि मैक्स माइनस मिनिमम कितना है 174। आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 मैक्स, तो यहां पे अगर आ जाएगा ये डिवाइड बाय 350 और मैक्सिमम मार्क्स जो मैक्सिमम रन आ जाएंगे आपके वो 175 आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इनको
सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल यही चीज देखना है कि यहाँ पे हम किससे, यदि दो है तो दो से डिवाइड, यदि तीन है तो तीन से डिवाइड, तो इस तरीके से आप इस तरीके जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी खिलाड़ी की 12 मैचों का एक निश्चित औसत है, एक निश्चित औसत है, यदि वह 13वें मैच में 96 रन बनाता है, 96 रन बनाता है तो उसका औसत 5 रनों से बढ़ जाता है, 5 रनों से उसका औसत बढ़ जाता है। तो 13वें मैच तक का औसत ज्ञात करें, 13वें मैच तक का औसत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, अब इस पे हम सिंपल से क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके जो 12 मैच, फिर उसके बाद वो 13वां मैच खेल रहा है, तो टोटल कितने मैच हो गए, 13 मैच हो गए, राइट। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके 13वां मैच है उसमें 96 रन बना रहा है, लेकिन 12 मैचों तक उसका कुछ औसत है, 13वें मैच में जो 96 रन बनाता है, जो 13वें मैच में उसका जो एवरेज हो जाता है औसत, वो 5 से बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए जब ये इस टाइप क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे जो उसके 12 मैचों का औसत है वो कितना है, 5 है। देखिए जब आप 13वें मैच इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये हो जाएगा आपका -60। अब देखिए यहाँ पे अगर 96 में, क्योंकि अगर 96 रन है, अगर इसको 1 से डिवाइड करें 96 का एवरेज औसत भी हो जाएगा, तो इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91 माइनस एक्स, और इससे 1 को मल्टीप्लाई करें। अब देखिए इन दोनों का एवरेज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो सम करेंगे तो वो 0 होगा, तो माइनस 91 माइनस एक्स -60 इज इक्वल टू 0। यदि ये सम 0 नहीं हो रहा, दैट मींस ये एवरेज आपका गलत होगा, तो हमें ये एवरेज मालूम है कि एवरेज कितना x + 5, इसलिए ये सम भी 0 होगा, ये हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, 91 से 60 माइनस करेंगे तो आपका 31 - x = 0, यानी x का, यानी जो आपका 12 मैचों का औसत कितना था 31, तो लास्ट के 13 मैचों का औसत कितना हो जाएगा, उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए तो 36 रन उसका जो 13 मैचों का औसत होगा, यानी इसका जो आंसर आया, आंसर कितना हो जाएगा 36 रन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसे खिलाड़ी के 10 मैचों का औसत 32 है, तो वह 11वें
मैच में कितने रन बनाए जिससे औसत में 6 की वृद्धि हो जाए। अभी ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि उसके 10 मैचों का जो औसत है वो कितना है, 32 है। इन 10 मैचों का जो औसत है कितना है, 32 है। उसको 11वें मैच में कितने रन बनाए, यदि 11वें मैच में उसको रन चाहिए और 11वें मैच तक का जो उसका औसत कितना हो जाना चाहिए, 36 से वृद्धि हो जानी चाहिए। यानी जो पहले उसका औसत कितना था 32, तो जो 11 मैचों का एवरेज कितना हो जाएगा, 38। यानी अब यहाँ पे देखिए अंतर कितना हो जाएगा इसका, -6 कितने मैच है, 10, 10 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -60। यहाँ पे आपका हो जाएगा +60, यहाँ पे +60 डिवाइड बाई 1, तो आप इस पे ऐड कर दीजिए +60, तो यहाँ पे कितने उसको रन बनाने पड़ेंगे, 98। यानी कि उसके जो 11वें मैच में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, 98 रन बनाने पड़ेंगे। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा जो एवरेज टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका परसेंटेज, तो प्लीज आप अपने दोस्तों को बताइए कि हम यहाँ परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि परसेंटेज का आपके मैथ में काफी वैल्यू रहती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि परसेंटेज का सभी जगह यूज है। आप अगर वेन डायग्राम यानी वेन राधा वाले क्वेश्चन देखें वहां भी परसेंटेज आता है, आप वर्क एंड टाइम देखें वहां भी परसेंटेज आएगा, यहाँ भी कई बार परसेंटेज आया है। तो हम परसेंटेज देखेंगे कि परसेंटेज को कैसे हम कर सकते हैं। ओके गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।